हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ अपने ही होम टाउन पे वर्का टाउन। और जैसे कि पिछले बार मैंने जो आपको एक वीडियो दिखाया था जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पे, जो लोंगडिंग टाउन पे हमने प्लांटेशन ड्राइव रखा था, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने इस प्लांटेशन ड्राइव को इनिशिएट किया और कैसा हमने इसे पूरा करने में, जो प्लांटेशन जो पौधा को लगाने में हमने कैसा अपना योगदान दिया। तो बने रहिए। ओहो, लगता है मौसम खराब होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फोगिंग पंस, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। और जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, माहौल जिस तरह से है तो आप समझ पाएंगे कि मैं अभी हूँ फिलहाल एक घने जंगल पे। और हम इस घने जंगल पे इसलिए आए हैं ताकि जो जंगल में हरा भरा भरा जो पेड़ है, जो पौधे हैं, ऐसा हरा भरा हम अपने होम टाउन वक्का टाउन को कर सके। यहाँ से कुछ हम ऐसे चुने गुने पौधे को ले जाएंगे जिसे हम लगाएंगे अपने टाउन पे। तो इस पेड़ लगाओ मिशन पे हम चल पड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त। यहाँ पे एक बार देखिएगा। ओके, सो ये दोस्त हैं। और आज हम जितने भी लोग आए हुए हैं, हम 10 थे। 10 में से हैरान करने वाली बात ये है कि लड़का हम दोनों ही है, और लड़का हम दोनों अभी पीछे पीछे जा रहे हैं। बाकी आज सभी लड़कियां हैं, दोस्त हैं, दीदी है, बहन है। तो देखना ये होगा कि आज हम जो मिशन को लेके आए हैं यहाँ पे, पौधे जितना हमने सोचा है उतना हम ले पाते हैं या नहीं। और घने जंगलों पे आप जब भी जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखें। देखने में छोटे हैं पर आपको नुकसान पहुंचाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ता। लड़की जहाँ जमा हो जाए ना, ऐसा शोर करता है, चिल्लाता है कि हैरान कर देता है कि हो क्या रहा है। क्या मिला होगा? सोना मिला है क्या? क्या हुआ, इतना चिल्ला रहे हो? रस्ता किधर है? सो ये देख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पौधों से आपको बच के रहना है। गौर से देखिए क्या है। लेकिन ये कंफ्यूज वाला है यार, सच में ये वाइल्ड बेरी तो पता चला, लेकिन सच में कौन सा वाला चीजू में ये? वाओ, ये जो नहीं यार, ये वो भी नहीं हो, ये अलगो चीजू तो अलग है ना, फिर उसका पता दे। सो हाँ, वाओ, खाइए और लीजिए। मैं तोड़ के खा लूँगा, आप खाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मिला, हाँ ये तो काफी छोटा छोटा है, फिर भी चलो ये बड़ा भी है। ओके, वाओ, अच्छा से आप लोग इंडिपेंडेंटली कर सके, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम दोनों आप लोगों को मतलब एक इंडिपेंडेंट वाला फील करा रहे हैं कि आप लोग मन मर्जी कर सके जंगल से जो भी पौधा आप कितना मिला। फिक्र मत कीजिएगा, हम दोनों आप लोग के पीछे पीछे हैं। 1000 हो गया, कुछ भी हुआ तो बोलना, हम दोनों से रास्ता अपना के पीछे भागेंगे। सो हमारे जितने भी टीम हैं, टीम मेंबर्स लगे हुए हैं उस पौधे को ढूंढने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि इतने घने जंगलों में कई प्रकार के, कई तरह के पौधे हैं, जंगल है, उसी बीच में से चुन कर एक 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 चुन कर वही पौधे को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। पर हमारे साथ जो टीम मेंबर्स है, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट टीम है, और सभी लोग लगे हुए हैं उस पौधे को चुनकर निकालने में। जितना मेंबर्स है, हम घने जंगल से निकल चुके हैं, जितना पौधा हमें चाहिए मुझे लगता है फिलहाल अभी तक के लिए सफिशिएंट है। तो आगे भी हम ढूंढते हुए जाएंगे। पक्का पहाड़ों में है, जंगलों में है, मौसम ख़राब है, बारिश का खतरा हो सकता है।
चलते हैं। एक ही दुकान से लिया है कैसे? नहीं तो दाम कम करो बोल के ना। अब इसका दाव को किसने भूल गया मेन पे। तो हम जंगल से निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं जो हम करते हैं यहाँ पे खेत। मुझे लगता है यहाँ पे कार्डमम्स लगाने की तैयारी हो रही है। तो हम रोड साइड से भी ढूंढते हुए जाएंगे। जो पौधा हम ढूंढ रहे हैं वो जब निकलता है, जब वो फूल खिलता है, बहुत ही सुंदर सा एक जो नज़ारा सीन जो देखने को मिलता है हम सभी को, वो ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसे अपने जगह पर लगा सके। तो ये वही पौधा है जिसे हम लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबसे खतरनाक चीज़ स्पेशली हमारे जो गांव में आप आते हैं, हमारे जंगलों में सफ़र करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है। यही एक ऐसा जंगली जो पत्ता है, जंगली कांटा है, जिससे मिथुन भी डरता है। मिथुन यानी कि घायल। महिला फौज। सो हम जितने भी टीम मेंबर्स हैं वही जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने ऐसे जंगल पे घुसने का एंट्री लिया था। गौर से देखिए, फाइनली देवियों सर, गौर से देखिए, ये कोरोना वाला पेड़ है यानी कि अभी भी जिंदा है। तो हम फाइनली जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर, और जाते जाते भी हम जंगल से ढूंढते हुए जाएंगे ये पौधा। इस पौधे का नाम है जंगयान, और जंगयान एक पेड़ है, बहुत ही अच्छा से ब्रांचेस आता है, शेड आता है, भले ही वो जो जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है, जंगली पौधा है। तो हमने ये सोचा कि वही पौधा अगर हम अपने टाउन पे लगाए, क्योंकि वही एक ही तो ज़मीन है हमारे पास, एक ही तो जो सॉइल है वही होगा। तो हमने सोचा कि अच्छा से आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब मानसून का वक्त होता है तो बहुत ही सुंदर सा ब्लॉसम यहाँ पे फूल उसका उगता है, जिसे देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हम सभी ने एक बात की और टीम यहाँ चल पड़े। और ऐसे हाँ खा गए, खा लो। वही वही तो जंगा और क्या था, आयोडेक्स नहीं, हाँ सॉरी यार, और नहीं आयोडेक्स। फिर एक जगह में बात बैठा ना। तो हम जा रहे हैं वापस अपने घर। जितना हमने कोशिश किया है उतना हम पौधा लेकर सभी लोग यहाँ पे इस टीम में जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से अपना काम और सक्सेस करने में कामयाब रहे। कुछ लोग आगे जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे ऑफिस। ले ले काजो
तो आप सभी ने देखा किस तरह से वाका टाउन के स्टूडेंट्स और यूथ्स सभी मिलकर इस पेड़ लगाओ अभियान को किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी भी इसे देखकर अपने घरों पे, अपने टाउन पे हमने जिस तरह से छोटी सी शुरुआत की है आप भी करेंगे। ऐसे और जानकारी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, हमेशा की तरह आपका प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए मैं लेना चाहूँगा आप सभी से विदा। नमस्कार।